यहाँ पे जितनी भी बुलेरो डिलीवरी के लिए खड़ी है ना, ज़्यादातर जो है B6 ही देखने के लिए मिलती हैं। लोगों को यही मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है। B6 ऑप्शनल ना बहुत कम ही लोग लेते हैं, कुछ मॉडिफाई करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंजन विद टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट चितिस द्विवेदी। ये जो आपके सामने गाड़ी खड़ी है, ये है मॉडिफाइड महिंद्रा बुलेरो B6 और काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका लुक आ रहा है। अगर साइड में अपन देखें, फ्रंट में देखें, और इसमें आपको रूफ रेल भी दी हुई है। तो आज अपन इस वीडियो में इस वेरियंट को आपके सामने कवर करके दिखाएंगे। करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ज़्यादातर लोग ये B6 वेरियंट ही प्रिफर करते हैं बिकॉज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। अगर सामने से चलते हैं तो ये देखिए, रेडिएटर ग्रिल में आपको ये सिल्वर इंसर्ट तो मिल रहा है, इसके ऊपर इन्होंने क्रोम का फ्रेम लगवाया है और बुलेरो ये लिखा हुआ है। ये काफ़ी एक रगेड लुक सामने से दे देता है। बाकी ABS गार्ड यहाँ पे दिया गया है जो कि ग्लॉसी ग्रे फिनिश में है। बाकी सिल्वर इंसर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है और स्किड प्लेट वाला फील भी दिया है। बाकी फॉग लैम्प इन्होंने नहीं लगवाया, फॉग लैम्प आते भी नहीं, अब टॉप मॉडल में भी नहीं आते। हेडलैम्प सेटअप जो है बिना कॉर्नरिंग लैम्प के आता है। बाकी रेस्ट सारी चीज़ें सेम टू सेम है। इधर पे चलते हैं साइड में, तो साइड में सबसे पहला मॉडिफिकेशन आपको क्या दिखेगा, ये जो एलिमेंट्स एडेड है डोर्स में और फेंडर में, ये इसके लुक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्रोम का काम बिल्कुल भी नहीं करवाया है। ORBM वैसे के वैसे ही है, डोर हैंडल वैसे के वैसे ही है, बट इन्होंने एक अलग लुक दिया है इसको सिल्वर फिनिश की रूफ रेल लगा करके, जो गाड़ी की हाइट भी बढ़ा रही है और लुक को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। बाकी ये ब्लैक और सिल्वर का जो आपको बीडिंग लगी दिख रही है, ये कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अलॉय व्हील भी इन्होंने नहीं लगवाया है। आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे इन्होंने स्पॉयलर लगवाया है जो कि कंपनी फिटेड है, इस तरीके से लगाया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर भी है। बाकी इस वेरिएंट में विंडस्क्रीन में वॉशर वाइपर डिफॉगर कुछ भी नहीं मिलता। पीछे सारी चीज़ें सेम टू सेम है, बस हाँ स्पॉयलर अलग से लगाया है। तो ये हो गई फ्रंट साइड और रियर की बात। क्रोम का काम बिल्कुल नहीं है। इंटीरियर की बात करें सो इंटीरियर में भी सारी चीज़ें सेम टू सेम है, बस एक चीज़ अलग है, वो है सीट कवर। ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं बुलेरो बेजिंग के साथ में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस वेरिएंट पे आगे और पीछे सब जगह मिल जाते हैं कवर के अलावा। और ये मैट भी आपको बुलेरो बेजिंग के साथ देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये भी दिए हैं इन्होंने, और कोई चेंजेस नहीं करे हैं। अब तो खैर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सारे वेरिएंट्स में आ जाता है। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल और ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिजिटल है, पूरा रेड इल्यूमिनेशन के साथ में। स्पीडोमीटर इस तरफ मिलता है, टैकोमीटर भी इस तरफ मिलता है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस तरफ मिलता है, जहाँ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अब दे दिया गया है। ओके बाकी वार्निंग लाइट्स। और अब आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम हर गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा ये अपडेटेड वाला है। ओके मोबाइल चार्जर भी यहाँ पे शामिल है, ऑक्स पोर्ट। इसके अलावा ब्लूटूथ तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जस्ट आप देख लो सारी चीज़ें वैसी हैं जैसी आती है गाड़ी कंपनी से, थोड़ा बहुत ही चेंजेस है सीट कवर और अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम या डबल डिन सिस्टम। पीछे की बात करें सो पीछे आपको ये आर्म रेस्ट के साथ कवर मिल जाता है और सीट बेल्ट के बक्कल इसमें भी नहीं निकले हैं। आगे देख लो, ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है, थोड़ा बहुत डिसेंट मॉडिफिकेशन है। जहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी, इनने अलग हट के काम किया कि क्रोम कहीं पे भी नहीं लगवाया। तो ये है मॉडिफाइड P6 वेरिएंट महिंद्रा बुलेरो का। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चाबी अब आपको ऐसी मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड की होल मिलता है, ABS मिल जाता है आपको, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, बीम लेवल एडजस्टमेंट 4 तक का। थैंक यू सो मच। पीछे देख लो एक बार आप सीट कवर स्पेशली, और ये आगे का लुक डिसेंट मॉडिफिकेशन कंपनी वाला, बहुत अच्छा लगता है। फुट स्टेप भी आपको लगी देखने के लिए मिल रही है अब। और ये ना ये भी ब्लैक कलर की है,
सिल्वर आती थी जनरली पहले, पीछे आपको लोहे वाली मिलती है नॉन स्किड।